दोस्तों धरती पर मंडरा रहा खतरा धरती पर गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चीनी रॉकेट की। लॉन्ग मार्च 5B मिशन चाइना का जो लॉन्ग मार्च 5B मिशन कुछ दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो इस वक्त धरती पर गिर चुका है। कई 2-3 दिनों से धरती के चारों तरफ धरती पर खतरा बनकर धरती के चारों तरफ घूम रहा था, वो स्पेस में घूम रहा था, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। चाइना पूरी तरह से अपने रॉकेट पर कंट्रोल खो बैठा था। ऐसे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ट्रैक कर रही थी कि ये रॉकेट कहाँ गिरेगा। ये भारी भरकम रॉकेट 101 फीट बड़ा और 101 फीट लंबा और 21 टन भारी वजन वाला ये रॉकेट अगर किसी बड़े शहर पर गिरता तो भारी तबाही तय थी। लेकिन ऐसे में यह रॉकेट, चाइना का रॉकेट हिंद महासागर में गिरा है और मालदीप में इसने कुछ नुकसान किया है। मालदीप पर इसका असर हुआ है, वहाँ कुछ आबादी वाले क्षेत्र में गिरा है या फिर सुनसान एरिया में, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है। ये आए जैसे ही खबर आती है हम सीधे आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चाइना का लॉन्ग मार्च 5B मिशन धरती पर धड़ाम हो चुका है। एक बार फिर से चाइना का रॉकेट धरती पर गिर चुका है और धरती पर से खतरा टल चुका है, क्योंकि अगर ये किसी आबादी वाले क्षेत्र या फिर बड़े शहर पर गिरता तो भारी तबाही तय थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च 5B मिशन न्यूयॉर्क शहर पर गिर सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका में तनाव का माहौल बन चुका था और ऐसे में यह आगे बढ़ता हुआ हिंद महासागर पर गिरा है। हिंद महासागर में मालदीप में गिरा है, इसलिए वहां कितनी तबाही हुई है और कितने लोगों ने जान गंवाई है इस अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, या फिर सुनसान एरिया में गिरा है जिससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ कि ये जैसे ही अपडेट आती है हम सीधे आपको बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही अपडेट आती है हम सीधे आपको बता सके। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक बार फिर से चाइना अपने मनसूबों में नाकामयाब हुआ है। एक बार फिर से उनके प्रोडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चाइना की स्पेस एजेंसी अपने प्रोडक्ट को सही नहीं बना पा रही, तो फिर चाइना के दूसरे प्रोडक्ट पर दुनिया कैसे विश्वास करेगी। चाइना का प्रोडक्ट चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, ये बिल्कुल एक बार फिर से सूट हो रही है कहावत चाइना पर। लेकिन चाइना का लॉन्ग मार्च 5B मिशन पूरी तरह से नाकामयाब होकर धरती पर गिर चुका है। कई दिनों से धरती पर खतरा बनकर मंडरा रहा, ये 90 मिनट पर धरती का एक चक्र पूरा कर रहा था चाइना का ये भारी भरकम रॉकेट, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बावजूद ये धरती पर गिर चुका है और हिंद महासागर के मालदीप में गिरा है, जिसकी वजह से वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये कुछ देर में पता चलेगा। कुछ देर में जैसे ही अपडेट आएगी सीधे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चाइना का लॉन्ग बी मार्च मिशन धरती पर गिर चुका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे ट्रैक कर रहे थे और ये पता लगा रहे थे कि ये कहां पर गिरेगा, लेकिन इसकी तेज रफ्तार होने के कारण इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये कहां गिरेगा। लेकिन ऐसे में अभी खबर आ रही है कि ये धरती पर गिर चुका है, धरती के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने से कारण ये धरती की तरफ खींचा चला हुआ आया और धरती पर पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है, गिर चुका है, और इससे जुड़ी अपडेट हम सीधे आपको बताने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही अपडेट आती है।